हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस वक्त हम खड़े हैं पिपरिया स्टेशन पर और हम जा रहे हैं भोपाल, क्योंकि गाइस इस भाई का पेपर है एमपी पुलिस का और इसको अभी टेंशन है। तो मतलब पता लगता है कि ज़िंदगी की परवाह है इस भाई को। तो अभी हम निकलेंगे भोपाल की ओर, थोड़ी देर में ही जन शताब्दी आने वाली है, वो हमको ले जाएगी रानी कमलावती स्टेशन। तो मिलते हैं गाइस रानी कमलावती स्टेशन पर। तो फिलहाल हम लोग पहुंच गए रानी कमलावती स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और 1 से ही हम लोग बाहर को निकलेंगे। तो अब हम निकल रहे हैं सेंटर। तो ये भाई का पेपर है एमपी पुलिस का, तो अब हम निकलेंगे सेंटर। सेम कॉलेज में इसका सेंटर है, तो अभी बस या कुछ साधन पकड़ेंगे यहाँ से, जो भी मिल जाए, तो निकलेंगे हम अभी सेंटर की ओर। तो गाइस अभी डायरेक्ट हम सेम कॉलेज ना जाके अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्त के रूम पर और वहां से उठाएंगे हम बाइक और बाइक से निकलेंगे सेम कॉलेज की तरफ। तो गाइस फिलहाल हम लोग आए थे दोस्त के यहां पर हेलमेट लेने के लिए और हेलमेट ले लिया है, तो हम निकलते हैं सेम कॉलेज डायरेक्ट सेंटर, क्योंकि सेफ्टी के लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं सेम कॉलेज और मेरे फ्रेंड का एग्ज़ाम इसी कॉलेज में है, तो अभी वो गया है एग्ज़ाम देने के लिए अंदर लैब में, तो मैं उसका बाहर इंतज़ार करूंगा 2-3 घंटे। मेरी तो वाट लगने वाली है भाई। तो भाई ये कैंपस है सेम कॉलेज का। तो गाइस जो मेरा फ्रेंड का एग्ज़ाम था एमपी पुलिस का वो हो गया है, तो अब हम निकल रहे हैं पिपरिया की ओर। तो अभी हमने ऑटो पकड़ लिया और अभी हम निकल रहे हैं रानी कमलावती स्टेशन, और रानी कमलावती स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से हम जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 1 की वीडियो बताई थी, तो इस बार हम प्लेटफॉर्म नंबर 6 से एंटर करेंगे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं रानी कमलावती स्टेशन, 6 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर खड़े हैं अभी इस वक्त। और पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने 1 नंबर प्लेटफॉर्म के साइड से बनाई थी वीडियो, पर इस साइड से नहीं बना पाया था, इसलिए इस बार मैं इस साइड से आ गया हूं। और ये इंडिया का फ्लैग लहराते हुए कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये जो सामने जो बोर्ड दिख रहा है बड़ा सा, रानी कमलावती स्टेशन लिखा है उसमें, और बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ से, ये पार्किंग एरिया। तो हम एक्सीलेटर पकड़ ले रहे हैं और चलते हैं टॉप फ्लोर पर। तो हम लोग टॉप फ्लोर पर आ गए हैं और टॉप फ्लोर का व्यू बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी क्लीन दिख रहा है, कुछ बोर्ड लगे हैं यहाँ, और ये सामने सेटिंग व्यवस्था यात्रियों के लिए। तो और आगे चलते हैं तो ये देखिए कि कितनी अच्छी व्यवस्था की है बैठने की, ऐसा लग रहा है जैसे कि एयरपोर्ट है वही बाहर कभी। और हम आ गए हैं और आगे, तो ये देखिए बच्चों के खेलने के लिए ट्रेन है, यहाँ कैंटीन भी है कुछ भी सामान लेने के लिए, ये मिक्की माउस। ये सामने लिफ्ट दिख रही है, खैर अभी चालू नहीं हुई है। तो हम लोग चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 5 पर, क्योंकि गाइस प्लेटफार्म नंबर 5 पर हमारी ट्रेन आ गई है। तो आप हम आपको ले चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 5 को। ये देखिए 4-5 प्लेटफार्म, और हम लोग 5 नंबर के प्लेटफार्म पर जा रहे हैं अभी। तो गाइस हमारी ट्रेन जनशताब्दी आ चुकी है, प्लेटफार्म नंबर 5-6 पर लग गई है। तो गाइस हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, और इसी ट्रेन से हम लोग जाएंगे पिपरिया स्टेशन। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में।